Who are the persons disqualified by law to make a contract? So this is the topic that we are going to discuss in this particular video, and I hope you will like it. So video lecture start करते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा. That if you are new to our channel, then please subscribe our channel by clicking the the red button which you will see on the Commerce Paathshala YouTube channels page, and thereafter you will have to click on the bell icon. जो bell icon है उसके ऊपर भी आपको click करना है और इसके notification को on कर लेना है ताकि whenever I'll upload any video you will get the notifications, right? इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे channel पे आकर के हमारे membership plan को join करते हैं, इस join वाले button के ऊपर click करके, तो आपको ढेर सारी benefits मिल सकती हैं. आपको एक तो assignments free of cost मिलेगा, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिल जाएंगे, और आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे थ्रू, है ना. तो यहाँ पे ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल रही हैं. यहाँ पे मोर अबाउट वर्क्स में आपको जाना है, और ये जो व्हाट्सएप का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके हमारा जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आपको इसे ज्वाइन कर लेना है. राइट, सो हियर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि आपका सपोज ऑन डिमांड लेक्चर आपको बनाना है, आपको एडमिशन असाइनमेंट फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप होता है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट में आकर के आप स्टडी कीजिए. प्लेलिस्ट में हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है. कॉमर्स की पाठशाला में आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है और इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर ढेर सारी वीडियोज हैं जिनको देख करके आप आसानी से एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप एग्जामिनेशन में ला पाएंगे. ठीक है ना, तो चलिए फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि होने वाला है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना. तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाई किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं, तो चलिए फिर देख लेते हैं. सो बिसाइड्स माइनर एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर सम पर्संस हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शियली और होली, सो द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सच पर्संस आर वॉइड. इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस, ईटीसी. दिस हैज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, है ना. तो माइनर्स, सबसे पहली बात तो कि माइनर्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर्स में सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा होती नहीं है. माइनर्स मतलब जिनका उम्र जो है 18 से कम है या 15 से कम है ना, उनकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो अवेयर नहीं होती है बहुत चीजों के बारे में, तो आप उनके साथ किसी भी तरह का डील नहीं कर सकते. साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका माइंड साउंड नहीं है, जो लोग थोड़े से पागल किस्म के हैं या किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इश्यू है, आप उनके साथ भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, है ना. क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसकी दिमागी हालत ठीक तरीके से ठीक नहीं है, है ना. तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं इन दोनों को छोड़ करके, इन दो तरह के साथ तो आप कर ही नहीं सकते, इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जनरली ये जो चीजें अराइज होती है, इनकम्पिटेंसी जो अराइज होता है, ये अराइज होता है पॉलिटिकल स्टेटस के कारण, कॉर्पोरेट स्टेटस के कारण, और समटाइम्स लीगल स्टेटस के कारण. अब ये चीजें कौन कौन सी है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. सबसे पहला पॉइंट है एलियन एनिमी. किसी भी एलियन एनिमी के साथ आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो वो वॉइड कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं कहलाएगा. तो एलियन सबसे पहला बात तो आपके दिमाग में आएगा, एनिमी मतलब दुश्मन होता है, एलियन का मतलब क्या होता है? तो एलियन वो व्यक्ति होता है जो कि आपकी कंट्री से बिलोंग नहीं करता. एलियन इज अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री. एक फॉरेन कंट्री का जो सिटीजन होगा वो आपके लिए एलियन कहलाएगा. Thus, in the Indian context, an alien may be an alien friend or an alien enemy. तो इस context में अगर समझा जाए तो friend जो alien है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो alien friend होगा या फिर तो alien enemy होगा. So contracts with the alien friend, that is a foreigner whose country is at peace with the Republic of India, are valid subject to certain restrictions, है ना. तो ऐसा कोई friend जिसके साथ आप एक तरीके से आपके साथ पीस के साथ वो रहता है, उसके साथ आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो विद सर्टेन कंडीशंस, बट ही कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडियन शिप. लेकिन वो जो है किसी भी तरीके से इंडियन शिप में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता, और टू बी एम्प्लॉयड एज मास्टर और एनी अदर चीफ ऑफिसर्स ऑफ सच अ शिप, या फिर वो किसी भी तरह के शिप का जो है चीफ ऑफिसर जो है वो भी नहीं बन सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो. तो एलियन फ्रेंड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की भी एक तरह से प्रोविजंस हैं, बट उसमें बहुत सारे सर्टेन कंडीशंस भी हैं जिसको आपको मानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब बात कर लेते हैं एलियन एनिमी के बारे में. तो क्लियर कट यहाँ पे रूल है कि कोई भी एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो एक तरह से वैलिड नहीं होगा. सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन एलियन एनिमी, द पोजिशन मे बी स्टडीड अंडर टू हेड्स. जो पोजिशन होता है वो दो हेड्स के अंदर एक तरीके से स्टडी किया जा सकता है. पहला है कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर. ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉर के टाइम पे साइन किए गए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के पहले साइन किए गए हैं. सो ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ वॉर एन एलियन कैन नीदर कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन सब्जेक्ट नॉर ही कैन बी सूड और इंडियन एन इंडियन कोर्ट एक्सेप्ट बाय लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है एलियन एलियन एनिमी की जब भी हम बात करते हैं, है ना. आप उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकते, है ना. दो हेड्स में जो है इनको नापा जाता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वॉर के पहले या फिर तो वॉर के टाइम पे आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो, है ना. तो इस तरीके से हम लोग इसको जज करने की कोशिश करते हैं. एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू बिफोर द वॉर ब्रेक्स आउट दे आर ईदर डिसॉल्वड और मेयरली सस्पेंडेड. तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है जो कि वॉर के पहले एक तरीके से बनाया गया था तो वॉर के टाइम पे या तो वो वॉर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा या तो एक तरीके से वो सस्पेंड हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी काम नहीं होगा. ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और सच एज द मे बेनिफिट द एनिमी स्टैंड डिसॉल्व. तो इस केस में जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है या फिर इसका बेनिफिट जो है एनिमी नेशन को होगा तो वहां पे वो पॉलिसी भी एक तरीके से कैंसिल हो जाता है. The contracts which are not against the public policy are merely suspended for the duration of the war and received after the war is over. लेकिन कोई suppose एक enemy के साथ आपने कोई ऐसा contract sign किया है जो कि एक तरीके से public policy के लिए खराब नहीं है, अच्छा ही है, तो उस case में जो war के time पे जो condition होगा वो suspended हो सकता है, जो हमारा agreement है वो suspended हो सकता है, but after war इसको वापस से revive किया जा सकता है, provided they have not already become time barred under the law of limitations. बशर्ते वहां पे किसी भी तरह का टाइम लिमिटेशन नहीं लगाया गया हो कि आपके साथ हम 2 साल या 3 साल तक ट्रेड नहीं करेंगे. अगर टाइम मेंशन कर दिया गया है तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं. इट मे बी ऑब्जर्व दैट एन इंडियन हु रिसाइड्स वॉलंटरली और हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ हॉस्टाइल टेरिटरी विल बी ट्रीटेड एज एन एलियन एनिमी, है ना. तो ये देखा जाता है कि कोई भी इंडियन जो कि वॉलंटरली किसी और कंट्री में रह रहा, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से वो किसी और कंट्री में रह रहा और कोई बिजनेस वहां पे कर रहा है किसी हॉस्टाइल टेरिटरी में, तो उसको भी आप एज ए एलियन एनिमी ही मानोगे क्योंकि वो आपकी कंट्री में नहीं रह रहा है, ठीक है. फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स, तो जो बाहर के जो सोवरेन्स होते हैं फिर एम्बेसडर्स होते हैं उनके उनके साथ भी आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, है ना. सो फॉरेन सोवरेन्स एंड एग्रीगेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन स्टेट जैसे कि एम्बेसडर्स होते हैं इंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेज, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलता है. दे कैन नॉट बी सूड इन आर कोर्ट्स अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर कोर्ट. आप इनमें से इनको एम्बेसडर्स को कभी भी आप एक तरीके से इंडियन कोर्ट्स में नहीं घसीट सकते क्योंकि इनके पास स्पेशल प्रिविलेज है. अगर वो खुद से आपके कोर्ट में आकर के अपने ऊपर सुनवाई होने देना चाहे तो ही आप उसके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं, अदरवाइज एम्बेसडर्स को कोर्ट में घसीटने का जो नियम है वो नहीं बना है, वो नहीं है. तो फॉरेन सोवरेन और एम्बेसडर्स के साथ भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट पे जाना सही नहीं होगा क्योंकि अगर वो किसी तरह का कमिट करता है, किसी भी तरह का क्राइम, कुछ अगर फ्रॉड करता है तो आप उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकते, इसलिए उनके साथ कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वायबल नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है. दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स दोस कॉन्ट्रैक्ट्स इन आवर कोर्ट्स, है ना. वो एंटर कर सकता है बट दे कैन नॉट बी प्रोसीड अगेंस्ट इन इंडियन कोर्ट्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन विदाउट जो गवर्नमेंट है उनके सैंक्शन के बगैर आप उसको प्रोसीड नहीं कर सकते हमारे courts mein, right? So this is the issue, that is why we should not make any contracts with the foreign sovereigns or ambassadors. So these two points we have done. Now convicts jo hote hain aap unke sath bhi kisi bhi tarah ka contract sign nahi kar sakte. A convict is not competent to contract during the continuance of his sentence of imprisonment. So suppose koi convict hai jisko kisi baat mein saza hui hai, wo jail ke andar hai, aap uske sath bhi kisi tarah ka contract sign nahi kar sakte jab tak ki wo jail mein hai. Ha, agar wo jail se bahar aa jaye to maybe possibility hai ki aap uske sath कर लो, लेकिन ड्यूरिंग द हिज कन्विक्शन कन्विक्शन के टाइम पे आप जो है उसको उसके साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते. दिस इनेबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ सेंटेंस, है ना. ये खत्म तब होता है, ये जो इनेबिलिटी है कि आप साइन नहीं कर सकते, ये खत्म तब होगा जब उसका पीरियड ऑफ सेंटेंस खत्म हो जाएगा, मतलब उसके जेल में रहने की जो अवधि है जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो. अ कन्विक्ट कैन हाउएवर एंटर इनटू और सू ऑन और कॉन्ट्रैक्ट when on parole or when he has been pardoned by the court. लेकिन एक convict के पास ये option होता है कि वो contract कर सकता है, पर दो केस में. पहला ये हो गया कि जब वो parole में है, मतलब वो किसी मतलब पैसे दे करके suppose वो बाहर में है, उसको किसी मामले में conviction हुआ है लेकिन वो जेल में नहीं है, जेल के बाहर है, तो उस केस में वो contract sign कर सकता है. साथ ही साथ अगर court उसको माफ कर देता है उसकी गलती के लिए तो भी उसके पास ये eligibility आ जाती है कि वो जो है जाकर के किसी contract को sign करे, है ना.
तो ये पॉसिबिलिटी होती है कन्विक्ट्स के पास। अब बात कर लेते हैं कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई है या फिर कोई भी ऐसी लीगल कॉर्पोरेशन जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स के तहत बनाए गए हैं, आप उनके साथ भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं कर सकते हैं। अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी और कॉर्पोरेशन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेंप्शन ऑफ लॉ। इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये एक तरह से जो कंटेम्पलेशन होता है लॉ उसके तहत ये एग्जिस्ट करता है। इसके पास अपनी कोई यू नो कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल इसके पास कैपेसिटी नहीं है। इसकी कैपेसिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि वो कोई आदमी तो है नहीं, है ना। तो वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एक्सप्रेस डिफाइंड बाय द स्टैच्यू क्रिएटिंग इट, है ना। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, लीगल कॉर्पोरेशन की, वो उतनी ही होगी जब उसको बनाया गया था। तो क्या किस चीज को, किस लॉ को ध्यान में रखकर के बनाया गया था, उस लॉ के पास ही अधिकार होता है कि वो चाहे तो किसी चीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है ना। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ कंपनी, तो किसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी क्लॉज दिए गए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लॉज दिए गए हैं, अगर उसके तहत आपका एग्रीमेंट बनता है तो मे भी उसको एक तरीके से वायबल माना जा सकता है, उसको एग्री किया जा सकता है। लेकिन ये डिसाइड यही जो उसका संविधान है, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही डिसाइड करता है। एनी एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ पावर्स गिवन टू द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड, है ना। तो कोई भी काम अगर आप करते हो उस जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बाहर जाकर के, जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उसके बाहर अगर जाकर के आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, किसी भी तरह का एक्ट आप करते हो, वो एक्ट जो है वो कानून की नजर में अल्ट्रा वायर्स होगा या फिर वॉइड होगा, है ना। अल्ट्रा वायर्स होगा और वॉइड होगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। हाउएवर कंपनी और कॉर्पोरेशन इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर। और कंपनी और जो कॉर्पोरेशन होता है उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो किसी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व हो सके। प्रोफेशनल हो सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस, बट पर्सनल वो हो ही नहीं सकते, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इंसॉल्वेंट्स। इंसॉल्वेंट्स के साथ भी आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वापस करने को। तो जब किसी के पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर सकते हो। सो व्हेन अ डेटर इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, जब किसी डेटर को इंसॉल्वेंट बोला जाता है, हिज प्रॉपर्टी स्टैंड्स वेस्टेड इन द ऑफिसर्स रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, है ना। तो जब किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाती है, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वो तो डेफिनेटली साइन नहीं कर सकता किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी एंड सू एंड बी सूड ऑन हिज बिहाफ। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ऑफिशियल असाइनी है या फिर ऑफिशियल रिसीवर उसके पास चला गया है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, ना ही उसके ऊपर वो केस कर सकता है, ना ही उसके ऊपर केस किया जा सकता है। दिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट इज रिमूव्ड आफ्टर ही इज डिस्चार्ज। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो साइन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का, ये डिस्क्वालिफिकेशन उसका तभी हटेगा जब उसको उसके काम से डिस्चार्ज कर दिया जाए, है ना, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए उसके ऊपर जो भी एलिगेशन है उन सारी चीजों से, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। So these are the 5 or 6 points जो कि आपको दिमाग में रखनी है जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से persons हैं जिसको law के द्वारा disqualify किया गया है कि वो किसी भी तरह का contract sign नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।